अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। हमारे रहीम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो मियाँ बीवी हैं, अगर अपने प्यारे को मनाने में परेशान हैं, ये अमल उनके लिए भी है। आप अपने प्यारे को पाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। अगर कोई शादी के लिए ये अमल करना चाहता है और चाहता है कि उससे शादी हो, तो उनके लिए भी ये अमल है। अमल मोहब्बत का है, अपने प्यारों को पाने का है, अमल अल्लाह के कलाम का है। सबसे बड़ी बात है कि ये अमल अल्लाह के कलाम का है। अमल शुरू करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल दरपेश होती, परेशानी आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ रुजू करते, यानी नमाज, नफली इबादतें अल्लाह को मनाने की कोशिश करते। तो नमाज नहीं छोड़िएगा, नमाज नहीं छोड़नी, किसी अमल में नमाज नहीं छोड़नी। नमाज पढ़ें, उसी से आपकी तमाम मुश्किलें फौरन हल हो जाएंगी, अमल भी कामयाब हो जाते हैं। अगर किसी ने किसी को शादी का पैगाम भी भेजना है, तो भी वो ये अमल कर सकता है। अगर वो चाहे कि कोई अच्छा रिश्ता हो जिससे वो चाहते हों, वो भी अमल करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ज़कात इसमें कोई नहीं है, वक्त इसमें जुमेरात का है, दिन 3 दिन का है। दुरूद पाक 3 बार है, नमाज की पाबंदी है, अमल की तादाद सिर्फ 3 बार है। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, इस लफ्ज़ को पढ़ें, या क़ादिरु हाज़िरशु, किसको हाज़िर करना चाहते हैं, किसको हाज़िर करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर देखें, तसव्वुर कायम हो जाए, तो या क़ादिरु हाज़िरशु के बाद आपने क्या पढ़ना है, अलखुब फलां इब्ने फलां, अलखुब फलां इब्ने फलां, अलखुब किसके लिए मोहब्बत कायम करेंगे आप, आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अलहुब हमने इस शख्स के लिए मोहब्बत को कायम करना है, मोहब्बत बढ़ानी है, क़ादिरु या क़ादिरु हाज़िर शू को पढ़ के हमने फलां इब्ने फलां, जिससे आप मोहब्बत रखते हैं, उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। उसका नाम, हस्बैंड वाइफ में तो माँ का नाम पता ही होगा, माँ का नाम। अगर किसी अपने को, प्यारे को पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो फिर अम्मा हवा भी लिख सकते हैं, अगर माँ का नाम नहीं पता। ठीक है, ये अमल का तरीका हो गया। ये नक्श अगर बेहिसाब मोहब्बत मियाँ बीवी में रहना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, मियाँ बीवी आपस में कभी लड़े झगड़े ना, परेशान ना हो। अगर फ़र्ज़ करें किसी के घर में ऐसी परेशानी है, किसी की बीवी मान नहीं रही, तो मियाँ यानी हस्बैंड कर सकते हैं। और भाई लोगों को चाहिए कि ये नक्श बनाए, ठीक है, इसका पानी अपनी बीवी को पिला दें। ठीक है, अभी मतलब कि इसका ये असर है कि अगर आप इसको पिलाना शुरू करेंगे अल्लाह के कलाम के नामों को, तो फिर ये होगा कि आपके लिए आसानी होगी, कभी मोहब्बत ख़त्म ही नहीं होगी। ये ख़ास मोहब्बत का अमल है, ये ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी बीवी रूठ कर चलेगी, नाराज़ हो गई है, या शोहर नाराज़ हो गया है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको अपनी बाजू पर बांध लेना है, सीधी बाजू पर बांध लेना है। जब तक ये बंदा रहेगा, मोहब्बत कायम रहेगी, मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी। जब सुलह सफाई हो जाए, नक्श को पानी में बहा दें, ये आसानी है। अब यहाँ पर नाम, अगर आपका कोई प्यारा है तो आपका नाम, उसका नाम, हस्बैंड वाइफ का मसला है, उसका बीवी का नाम और शोहर का नाम, शोहर का नाम तो बीवी का, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। ये आसान है, बहुत आसान अमल है। तो कल अल्लाह के कलाम, वो कादिर है, वो हर चीज़ पर कादिर है, कोई उसको हिला नहीं सकता। उसकी चीज़ को हम कुछ भी कर लें, इस अमल को मुकम्मल भी कर लें, वो जब चाहेगा ना रब सोना, तो फिर आपकी मुश्किल देखिएगा कितनी जल्दी आसान हो जाएगी। अल्लाह की ज़ात पर जो लोग यकीन करते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एक लफ्ज़ में ही बहुत ताकत है। ये वैसे तो पढ़ने में एक लफ्ज़ है,
लेकिन इसके बहुत अजर अजीम हैं, इसके एक एक हरूफ के साथ बहुत सारे फरिश्ते मुकर्रर हैं। तो अल्लाह के कलाम को कम ना समझा करें। मदरसा फातिमा तुज़हरा लिल बनात से भी मदद हासिल कर सकते हैं, रूहानी इलाज के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, कोई बात समझना है अपनी बहन को याद कर सकते हैं। मैं आपकी बहन आपकी ज़रूर मदद करूँगी इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा रब्ता तो करें, लेकिन सन्सियर लोग रब्ता करें। मदरसे का टाइम बहुत कीमती है, फालतू टाइम ज़ाया नहीं किया करें प्यारे बहन भाइयों। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए दुआएं भी की जाती हैं, इस्तखारे हिसार किए जाते हैं, तो वो लोग रब्ता क्या करें जो वाकई अपनी मुश्किल के लिए परेशानी के लिए आए हों। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं, जज़ाकल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती, जज़ाकल्लाह।